हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थतूर बाजार में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य आशुतोष कोठारी व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष वृंदा चंदेल ने संयुक्त रूप से किया। जिला पंचायत सदस्य आशुतोष कोठारी ने कहा कि अभी तक लोगों को बाजार से महंगे दामों पर दवाइयां उपलब्ध हो पाती थी, किंतु जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयां मरीजों को उपलब्ध हो पाएंगी। इस अवसर पर जन औषधि केंद्र संचालक SP लेखवा ने कहा कि हम आम लोगों को बाजार दर से सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि सस्ती दर में उपलब्ध दवाइयों का लाभ उठाइए एवं लोगों को भी जागरूक करिए। जौनपुर थतूर से यूके लाइव के लिए बलवंत रावत की रिपोर्ट। हाँ हो गया हो गया, थोड़ा इनको बताते रहो इधर मत देखो आप जानकारी क्या है तुम्हारी कुत्तों का लगा है ठीक हो रहे चौहान बिल्कुल आजा आजा पहले अरे तुमने जाएंगे तो कैसे होगा जैसे यही है सर आप देखिए एल्कलाइजर सिरप है ये अगर बाजार में मिले तो बाजार में तकरीबन 70-80 रुपए के तो इस तरीके की और दवाइयाँ भी है जैसे ये है ऑक्सीजन है ये बाजार में जो है तकरीबन ये लगा 80 रुपये का जिनको पता है तो मार्केट इसमें क्या रेट अलग से अलग है किस प्रकार की योजना है और किस प्रकार से फायदा मिलेगा इससे? ये सुनील जी जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भारत सरकार का एक उपक्रम है जो भारत सरकार द्वारा जो है सब्सिडी में दवाई मिलती है हम लोगों को तो जिसको हम वितरित करते हैं तो वो तकरीबन जो है ये लगाइए आप कोई दवाई 50% डिस्काउंट में कोई 60 कोई 70% इतना डिस्काउंट है इसमें और उसमें कीमत तय कीमत पे उसमें लेबल में CC हो चाहे स्ट्रिप हो दवाई की उसमें तय कीमत उसमें लिखी होती है उसी कीमत में हम लोगों को देनी पड़ती है। ये जनता को देखते हुए जेनरिक दवाइयाँ जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चलाई है ये गरीब आदमियों के लिए जो दवाई देने में सक्षम नहीं होते हैं वहीं से वो उस दवाई में सब्सिडी दे करके हम लोगों को यहाँ वितरित करते हैं। एक ब्लॉक में एक जन औषधि केंद्र स्वीकृत होता है और ये पहला यहाँ पे ब्लॉक में मेरा जन औषधि केंद्र स्वीकृत हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय भारत सरकार जी को, माननीय उत्तराखंड सरकार जी को जिन्होंने ये सुविधा चलाई है। बहुत बढ़िया सुविधा है, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो जन औषधि केंद्र है प्रत्येक विकास खंड के अंदर खोले जा रहे हैं, किस प्रकार से लेते हो आप और कितनी सुविधा होगी इससे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है आम आदमी को राहत देने वाली योजना है, दवाई कंपनियों की जो लूट थी उसको कम करने की योजना है। बाज़ार में 10 रुपए की जो दवाई थी वो 100 रुपए में मिलती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयासों से ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो खोला है पूरे भारतवर्ष में जो संचालित हो रहा है उसमें 50% से लेकर और 70% तक की छूट इन दवाइयों पे मिलती है।